वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा मेरे फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। अभी तक इसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत पुराना है और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने इनका रिव्यू किया हुआ है, इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया हुआ है। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी जो स्किन टाइप है वो मेरी भी है, मेरी भी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हो। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे करना चाहिए और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ इस फेस वॉश के बारे में। ये है हिमालया प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश। 100% आप सब इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। पर अगर आप कंफ्यूज़ हो, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, आप कंफ्यूज़ हो, कोई अच्छा प्रोडक्ट चाहते हो एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो फेस वॉश है ये है नीम प्यूरीफाइंग फेस वॉश, मतलब इसमें नीम यूज़ किया गया है, साथ ही साथ इसमें हल्दी का यूज़ किया गया है। ये दो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए हैं कि ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ की गई है। इसके अलावा जो इनएक्टिव्स हैं, जो चीज़ें हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं, वो भी मेंशन किया गया है इसमें, वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें कलर भी है, इसमें फ्रेग्रेंस भी है। फ्रेग्रेंस ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि माइल्ड है, पर जैसी भी है मतलब इरिटेट नहीं करेगी आपको, उससे दिक्कत नहीं होगी। और कलर भी इसमें है, तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हो जो कलर फ्री हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, तो फिर ये यूज़ नहीं करना, हो सकता है आपको फिर ये सूट ना करे। पर इसकी फ्रेग्रेंस से, इसकी कलर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसीलिए मैं इसको यूज़ भी करती हूँ। मतलब मैं इसको तब से यूज़ कर रही हूँ जब मैं चेक भी नहीं करती थी कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तब से इसको यूज़ कर रही हूँ। और आज जब मुझे वीडियो करना था तब मैंने पूरा डिटेल चेक किया कि आखिर इसमें है क्या, कैसे बना हुआ है, ये सारी बातें मैंने आज चेक की। तो इसमें नीम और हल्दी यूज़ किया गया है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है नीम कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए नीम बहुत अच्छा होता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो उनको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हल्दी से स्किन ब्राइट होती है और बहुत जल्दी हील करने का एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो बहुत जल्दी हीलिंग का काम करती है। तो ये दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ये बहुत सारे साइज़ में आता है, छोटे साइज़ भी आते हैं, तो अगर आपने यूज़ नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो, तो छोटे साइज़ से ही यूज़ कर सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ा इसका साइज़ है और काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब इतना बड़ा फेस वॉश 270 रुपीज़ में है, 300 ml सिर्फ 270 रुपीज़ में है। ऑनलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। पर क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे पता है कि ऑयली स्किन पे तो ये कमाल का काम करती है। मैं जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ कि एक्टिव एक्ने है तब आपको ये चीज़ यूज़ करना चाहिए या नहीं। आपको एक्टिव एक्ने भी है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब बात करूं कि क्या ये एक्ने को, पिंपल को बिल्कुल गायब कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, पिंपल की लाइफ को कम करता है। जहाँ आपका पिंपल 10 दिन में ठीक होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो वो आपका 4-5 दिन में ही आप साइज़ छोटी हो जाएगी और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। ये चेंजेस तो मैंने देखे हैं जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फेस वॉश लगा लेने से ही सब हो जाएगा, पर अगर आप इसके साथ अच्छा कोई एक्ने ट्रीटमेंट लेते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि मैं क्लिंडामाइसिन यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे मतलब एक्ने प्रोन स्किन वालों का होता ही है कि एक दो एक्ने रहते ही रहते हैं, तो मैं क्लिंडामाइसिन यूज़ करती हूँ जब भी मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। बेंजिल परऑक्साइड यूज़ करती हूँ, जिस टाइप का एक्ने हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, पर उसके साथ मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे से ये हेल्प करता है। और एक और बात मैं कहूँगी कि ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, ना ड्राइनेस होती है, ना ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम होता है। और चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, मैं
इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। अब जैसे ठंड है अभी, तो आप इसको दो बार यूज़ कीजिए, हो सकता है ठंड में ड्राइनेस आ भी जाए, तो आप इसके साथ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन है तो वही, अगर आपको ड्राई स्किन है तो ड्राइनेस तो लगेगी ही फेस वॉश करने के बाद। तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा जो ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करे ऐसा मॉइस्चराइज़र आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई फेस वॉश चूज़ करती हूँ तो मेरी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि बहुत अच्छे से वो क्लीन करे मेरे ऑयल को, और डर्ट है ऑयल है उसको अच्छे से क्लीन करे। मुझे फ्रेश फील होना चाहिए, तो इसको यूज़ करने के बाद आपको बहुत फ्रेश फील होगा। आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल बहुत अच्छे से रिमूव होगा, जो भी गंदगी है बहुत अच्छे से ये फेस वॉश रिमूव करता है। बहुत फ्रेश फील होगा इसको यूज़ करने के बाद, और बहुत अच्छे से लेदर करता है। कुछ जब भी मैं क्रीमी फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई झाग नहीं होता है, पर ये बहुत अच्छे से झाग देता है, बहुत अच्छे से आपके स्किन पे जो भी गंदगी है उसको रिमूव करेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि इसको यूज़ करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मेरी स्किन पे यार ये काम करता है अच्छे से, और इसको यूज़ करने के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मार्केट में हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर रोज़ आप अपना प्रोडक्ट चेंज करो। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करने चाहिए, स्पेशली फेस वॉशेस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमें चेंज नहीं करने चाहिए। अगर आप वो करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हो उसको 15-20 दिन तक यूज़ करो। एक दो दिन में समझ नहीं आएगा वो सूट कर रहा है या नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 2-3 दिन यूज़ करते एक दाना आया तो और ये सूट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा, और बार बार आपको फेस वॉश चेंज नहीं करना है। एक फेस वॉश अगर आपको लगता है, आप एक महीने तक ट्राई करते हो, अगर आपको लगता है कि सूट कर रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू करो। स्किन केयर रूटीन भी आपको बहुत जल्दी चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए। एक सूट करता है तो बिल्कुल आप उसको कुछ दिन तक, कम से कम 3 महीने तक आप रेगुलर यूज़ करो, तब आपको उसके एग्जैक्ट रिजल्ट समझ आएंगे। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, और यही रीज़न है कि ये तो मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं अगर कोई नई चीज़ भी ट्राई करती हूँ ना तो उसके साथ मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे स्किन को अच्छे से हील कर देगा। तो बिल्कुल अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आता है आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करो, अभी तक आपने अगर इसको यूज़ नहीं किया हो तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं कहूँगी कि मुझे तो बहुत सूट करता है, तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, और ट्राई किया ही होगा बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है। बहुत पुराना प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा है, तो बिल्कुल पैकेजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, और आजकल जो नए प्रोडक्ट आते हैं उनमें ब्रश आता है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आती हैं वो इसमें नहीं है, पर ये काम बहुत अच्छे से करता है। तो आप अच्छा फेस वॉश चाहते हो, बिल्कुल एक बार इसको ट्राई करो। ऑनलाइन ऑफलाइन ईजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा है, और मैं कह सकती हूँ कि इसको परचेज़ करने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ करोगे। और इसके साथ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और जो भी चीज़ें यूज़ करते हो वो आपकी स्किन को सूट करने चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।